नमस्कार, मैं आस्था चौहान, आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में स्वागत करती हूँ। और आइए देखते हैं अभी की ताजा खबरें। कांग्रेस के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया रायसेन में मंच छोड़ रवाना हुए दिल्ली के लिए, कहा अटल जी मेरे परिवार के सदस्य है। मध्य प्रदेश आयुर्वेद छात्र संगठन द्वारा उज्जैन में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी। रायसेन के गैरतगंज में कांग्रेस के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के निधन की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि अटल जी के निधन से पूरे देश में शोक व्याप्त है। इंदौर सहित पूरे देश में कल रात से ही उनके स्वास्थ्य सुधार के लिए विभिन्न संगठनों व संस्थाओं द्वारा हवन पूजन सहित दुआएं मांगी जा रही थी, किंतु जैसे ही गुरुवार को शाम 5:05 पर अटल जी के निधन की खबर आई, पूरे देश में शोक की लहर छा गई। रायसेन में कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच के माध्यम से कहा कि अटल जी हमारे परिवार के सदस्य है। वहीं उन्होंने मीडिया को कहा कि मैं अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूँ। उज्जैन में अपनी मांगों को लेकर मध्य प्रदेश आयुर्वेद छात्र संगठन के छात्र 10 दिनों से अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के बाद अब प्रशासन की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिलने पर 10 छात्र और छात्रा अनिश्चितकालीन भूत हड़ताल पर बैठ गए। मध्य प्रदेश आयुर्वेद छात्र संगठन के छात्र की 10 दिनों से चल रही प्रदेश व्यापी हड़ताल के बाद अब छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। छात्रों की 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अब तक शासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया न होने पर छात्रों ने भूख हड़ताल का कदम उठाया। गुरुवार से 10 छात्र और छात्रा कॉलेज परिसर में ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। छात्र छात्राओं का कहना है कि जब तक हमारी 3 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होती तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। वहीं छात्रों ने आरोप लगाया कि नेता, मंत्री, विधायक और शासन के कई लोगों को हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला। उज्जैन से राहुल यादव की रिपोर्ट। हड़ताल की जा रही है, हम लगातार 10 दिन तक अलग अलग गतिविधियां करके सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी मांगे बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान के आगे जू तक नहीं रहेंगे। हमने 3 दिन पहले भी सरकार को ये चेतावनी दी थी कि आप हमारी मांगे पूरी कीजिए या हमसे कम से कम आके मिले तो सही, हमारी बात सुने तो सही, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर हमारे कॉलेज से वो प्रदेश व्यापी स्तर पर जैसे रीवा, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, हर कॉलेज में हमारे आयुर्वेद छात्र संगठन के लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हमारे यहाँ पे भी 10 लोग आज भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और हमारी 3 सूत्रीय मांगों के लिए हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश आयुर्वेद छात्र संगठन के छात्र प्रदेश व्यापी आंदोलन पिछले 10 दिनों से कर रहे हैं हमारी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर, लेकिन अभी तक इसमें शासनात्मक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसके चलते हमें व्यवस्था पूर्वक भूख हड़ताल करने का कदम उठाना पड़ा है। हमारे प्रदेश के सभी आयुर्वेद कॉलेजों के छात्र, लगभग हर कॉलेजों से 10-10 छात्र आज से भूख हड़ताल पर हैं और हमारी शासन से अपेक्षा है कि हमारी 3 सूत्रीय जो मांगे हैं वो पूरी करने की, हमारी मांग जो है वो पूरी करने, वो उनसे अपेक्षा है कि वो पूरी करेंगे। बुरहानपुर जिले के शाहपुर क्षेत्र मोहद में आंकर में पेशाब करने गई 3 वर्षीय बालिका लापता हो गई। माता पिता ने पुलिस को बालिका का अपहरण होने की शिकायत पुलिस में करवाई है। मौके पर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री ने पहुंचकर परिजनों से मुलाकात कर बच्ची को जल्दी ढूंढने का आश्वासन दिया। वहीं पुलिस बालिका की तलाश में जुट गई है। आंगन में लघु शंका करने गई बालिका चंद मिनटों में गायब हो गई। इस घटना के बाद पूरे मोहद गांव के साथ प्रशासनिक अमला सख्ती में आ गया। इस घटना से पूरे गांव में दहशत फैल गई है। परिजनों की शिकायत पर जिला पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव और शाहपुर थाना प्रभारी गिरवर सिंह ने पुलिस अमले के साथ मोहद गांव में पहुंचकर बालिका के परिजनों से मुलाकात कर बालिका की तलाश शुरू कर दी है। बुधवार सुबह 11 बजे के दौरान बालिका के दादा देवल सिंह व दादी मीराबाई घर के अंदर बैठे थे। बालिका घर के आंगन में गई और जब वो देर तक घर में वापस नहीं लौटी तो दादा दादी घर के बाहर उसे देखने आंगन में पहुंचे, जहां से वो गायब हो गई। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें आश्वस्त करते हुए उनकी बच्ची को अति शीघ्र ढूंढने के पुलिस अफसर को निर्देश दिए हैं। गुरुवार को सीहोर में सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा किया गया पौधारोपण महाविद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम स्वर्गीय श्री प्रकाश व्यास की स्मृति में किया गया।
आपको बता दें कि कन्या महाविद्यालय में पौधारोपण किया गया। ये पौधारोपण सर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष बालमुकुंद पालीवाल, राष्ट्रपति पुरस्कार शिक्षक श्री राम मूर्ति शर्मा, डॉक्टर साधु राम शर्मा सहित अन्य ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा किया गया। डिंडोरी जिले के बजाक थाना क्षेत्र के बिक्रमपुर में युवक की अज्ञात बदमाशों ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि 35 वर्षीय शिवलाल पिता सुमरीन यादव की बीते दिनों अज्ञात लोगों ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।